मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के लिए हितग्राहियों को लेकर जा रही बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई व दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हादसा उमरिया नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस भतौरा गांव से लोगों को लेकर कार्यक्रम स्थल जा रही थी। घाघरी ओवरब्रिज पर दो पहिया वाहन को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है व दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपए और मामूली घायलों को 10-10,000 रुपए की मदद देने का वादा किया है। और हमने तय किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो साथी नहीं रहे उनके परिवार को 10 लाख रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। एक सास की सेवा में उनके परिवार का सदस्य पात्रता के अनुसार लिया जाएगा। घायल अभी ठीक है, हम लोग देख के आए हैं, उनके संपूर्ण उपचार की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। जो गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। जो साधारण घायल है बैठे हैं उनसे बातचीत करके आए उनको भी 10-10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ अंतर आत्मा से खड़े हैं, उन परिवारों के साथ है और उनकी भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।